दोस्तों आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा कंटेंट खोज रहे हैं, ऐसा कंटेंट की तलाश में हैं जहां पर आपका पहला ही वीडियो वायरल होगा, मतलब कि आप फर्स्ट वीडियो को अपलोड करोगे और वही वीडियो आपका व्यूज रखा देगा और इस तरह के चार पांच वीडियो अपलोड करके अपने चैनल को आप तेजी से ग्रो भी कर सकते हो और मोटा होने के बाद में आप महीने के लाख रुपए कमा सकते हो और इस तरह के कंटेंट को आपको मोटाइज होने में, चैनल को मोटाइज होने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आपको नहीं होने वाला है। और सबसे मजे की बात है, आपको इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए अपना फेस भी नहीं दिखाना है। जी हाँ, आप अपना फेस बिना दिखाए ही 15 से 20 मिनट के अंदर में अपना कंटेंट को रेडी कर सकते हो, वीडियो को रेडी कर सकते हो और आप अपने चैनल पर अपलोड करके तेजी से ग्रो भी करने वाले हो। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वो कौन सा चैनल है जो ऐसे कंटेंट पर काम कर रहा है, कहां से वो कंटेंट लेता है, कैसे एडिटिंग करता है, सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक यहां से देख लीजिएगा। अगर आप मिस करोगे तो फिर आप सारा को समझ नहीं पाओगे, फिर आप कमेंट में बोलोगे भाई आपका तरीका काम नहीं करता है और आपको समस्या परेशानी हो सकता है। और तो आपको मैं दोस्तों एक एक स्टेप इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको अपना कंटेंट रेडी कैसे करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। दोस्तों मेरा नाम है सुरीत और आप देख रहे हैं सुरीत के वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सबसे पहले हमारे वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले यूट्यूब एप्लीकेशन में और वहां मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा चैनल है जो इस तरह के कंटेंट पर काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है। यहाँ मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर क्रैक सेट क्वालिटी और मैं इस तरह पर जाता हूँ और यहाँ पर सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 34 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर यहाँ पर हो चुके हैं सिर्फ 80 वीडियो अपलोड करके। 80 वीडियो अपलोड किया है और 34 लाख प्लस सब्सक्राइबर इसके चैनल पर हो चुके हैं और ये भाई साहब 100 वीडियो बनाते हैं, सिर्फ 100 बनाते हैं, लॉन्ग नहीं बनाते हैं। और यहाँ पे आप व्यूज दे सकते हैं रिसेंट वीडियो पे, यहाँ पे अच्छे खासे लाखों में व्यूज आए हुए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ इनका पॉपुलर वीडियो, यहाँ पर आप देख के शौक होने वाला हो। यहाँ पे देखिए करोड़ों व्यूज गए हुए हैं, ठीक है, 1.7 करोड़ व्यूज है, यहाँ पे 1.4 करोड़, 1.4 करोड़, यहाँ पे 81 लाख, 82 लाख, 71 लाख, यहाँ पे हर एक वीडियो आप देख सकते हैं लाखों में व्यूज यहाँ पे गए हुए हैं, मतलब कि सभी वीडियोज पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब से यहाँ मैं आपको इस चैनल का आपको अर्निंग दिखाता हूँ क्योंकि आप सभी अर्निंग देखने के बाद ही मोटिवेट होते हो कंटेंट पर काम करने पे। यहाँ मैं ओपन किया हुआ हूँ, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको इस चैनल का नाम दिखाता हूँ, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चैनल का नाम है यहाँ पे क्रश थैंक वाइटी, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका अर्निंग देखिए मंथली कितना है, 6.7K से लेकर के 107K, ठीक है, मतलब कि 1,07,000 के बीच में मंथली अर्निंग करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। और आप भी इतने अर्निंग कर सकते हो अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो, ऐसा वीडियो आप बनाते हो क्योंकि तरीका है जो वीडियो है वो यूट्यूब पर काफ़ी देखा जाता है और आप भी ऐसे कंटेंट आसानी से सिर्फ 15 से 20 मिनट में रेडी कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चलते हो वापस यूट्यूब एप्लीकेशन में और यहाँ पर मैं आपको इनका एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक वीडियो प्ले करता हूँ कैसे कंटेंट पे ये बना रहे हैं, ठीक है। और वो भी दूसरे का अकाउंट को यूज करके दूसरे का अकाउंट वीडियो लेते हैं और यहाँ पर शॉर्ट में कन्वर्ट करके अपने चैनल पर अपलोड करते हैं और अपना वोच देते हैं। और आप में से कैसे लोग ऐसे हैं जो कि फेक वीडियो बनाते हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके चैनल पर आ जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्लेम या फिर मैक्सिमम लोगों क्या होता है कि चैनल भी डिलीट हो जाता है, बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक आया जाने के कारण, ठीक है। यहाँ पर ये भाई लोग कैसे काम कर रहे हैं जो कि इनके चैनल पर कोई भी स्ट्राइक या फिर क्लेम नहीं आ रहा है और ये भी दूसरे अकाउंट को यूज कर रहे हैं, तो आप एक बार ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा ये भाई साहब क्या करते हैं जिससे कि इनके तरफ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई भी स्ट्राइक क्लेम कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर से मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं, शुरू करता हूँ यहाँ पर सेकंड वीडियो देखिए। शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ और वो ये है कि कमेंट में जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये
इस चैनल को सुपर थैंक्स का ऑप्शन यहाँ पर मिला हुआ है, और आप सभी जानते हैं कि सुपर थैंक्स उसी को मिलता है जिसका चैनल यूट्यूब पर मोनेटाइज होता है, बाकी चैनल को सुपर थैंक्स का ऑप्शन नहीं मिलता है जो मोनेटाइज नहीं होता है। आपने देखे इसमें मोनेटाइज भी है, आपको पूरा प्रूफ मैंने दे दिया है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भाई साहब कैसे काम करते हैं जिससे कि दूसरे का वीडियो लेने के बाद भी इनके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आप गौर करेंगे यहाँ पर, इस चैनल पर देख सकते हैं क्रेडिट दिया हुआ है, जितने वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ से इन्होंने वीडियो को डाउन किया हुआ है उस चैनल को क्रेडिट दे दिया है, ताकि ये बिंदास अपने वीडियो को बना सकते हैं और वहाँ से कॉन्टेंट को ले सकते हैं, ठीक है। और ये भाई साहब हर एक वीडियो में देख सकते हैं कि जितने वीडियो प्ले करूँगा हर एक में आपको यहाँ पर नीचे ले क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ जहाँ से ये वीडियो ले रहे हैं उस चैनल को साफ साफ क्रेडिट दे रहे हैं अपने वीडियो में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। तो आपको भी यही काम करना है, जब भी आप वीडियो एडिट करेंगे आपको बताऊंगा कैसे एडिट करना है, तो जब भी आप एडिट करेंगे आपको वीडियो में क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट दिया हुआ है, आपको भी क्रेडिट देना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस चैनल को क्रेडिट देना है कि भाई साहब मैंने यहाँ से वीडियो डाउन किया हुआ है, ताकि वो भाई साहब जिस बंदे का आपने वीडियो यूज किया हुआ है वो आपको स्ट्राइक वगैरह नहीं दे, आप स्ट्राइक से बचे रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कॉन्टेंट कहाँ से लेना है। तो आपने देखा था ये भाई साहब ले रहे हैं कहाँ से, कास्ट VS से, ठीक है। आपको भी सर्च करना है कास्ट VS, आपको मैं और भी सब दिखाऊंगा जहाँ से आप कॉन्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सर्च करता हूँ यहाँ पे कास्ट VS, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ये लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं, इसी तरह का चैलेंजिंग हो रहा है, ठीक है। आपको भी लॉन्ग वीडियो को डाउन करना है, कैसे करना है वो आपको अच्छे से पता है, नहीं पता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, वहाँ बता दूंगा, यहाँ आपको मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब के कॉन्टेंट गाइडलाइंस के खिलाफ है, अगर मैं बताऊंगा तो मुझे स्ट्राइक आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको डाउन करने का तरीका यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो को डाउन करना है जहाँ से आप करना चाहें, ठीक है। इसके अलावा आपको एक तरह और दिखाता हूँ जहाँ से आप इस तरह के वीडियो ले सकते हैं, और वो तरह दोस्तों ये है, आपको देख सकते हैं बीम एंजिनेशन, ये तरह को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 42,000 से अधिक सब्सक्राइबर है, और ये भाई साहब भी लॉन्ग वीडियो बनाते हैं इसी तरह का जहाँ की चैलेंज होते हैं, और आप इनके लॉन्ग वीडियो को डाउन कर सकते हैं। वीडियो को डाउन करने के बाद आपको सिंपल एडिट करना है और इस पर अपलोड करना है, एडिट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा आपको यहाँ से समझना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको मिनिमाइज करना है, और आप अपने मोबाइल में जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं जैसे कि कैनवासर, VL, फिल्मोरा, पावर एडिटर जो भी आप यूज करते हैं वो आप ओपन करिएगा। यहाँ मैं ओपन करूंगा कैनवासर, क्योंकि मैं कैनवासर यूज करता हूँ, और यहाँ ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले एक ध्यान रखना है इसका रेशियो, आपको वीडियो का रेशियो क्या रखना है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और आपको रेशियो जो है दिया हुआ है शॉर्ट जो होता है वो होता है 9:16 या फिर 1:1, लेकिन यहाँ पे आपको सर्च करना है ये वाला 3:4, आपको इसको ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, नहीं चाहे तो इसी को अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर, आपको इसको ही सिलेक्ट करके क्रेडिट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ से ध्यान समझना होगा आपको वीडियो को एडिट कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने जो वीडियो को डाउन किया हुआ है उसको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, तो यार मैं यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को इंसर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आप सबको मालूम है कि जो शॉर्ट का साइज होता है, लेंथ होता है, वो होता है 1 मिनट से कम का, तो यहाँ जो वीडियो का साइज है उसको मैं करूँगा 1 मिनट से कम, ठीक है। यहाँ वीडियो को 1 मिनट से कम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। यहाँ बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको अच्छा वीडियो लेना है बस आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको समझ में आ जाए, इतना मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं रखा हूँ 57 सेकंड, इसके बाद के जो पोर्शन है उसको मैं ट्रिम राइट करूंगा, वीडियो को सिलेक्ट करूंगा और ट्रिम राइट करके हटा दूंगा, ठीक है। अब वीडियो का साइज होगा 1 मिनट के अंदर में जो कि शॉर्ट का साइज होता है। इसके बाद आप देखिए वीडियो जो है वो लैंडस्केप में दिखाई दे रहा है, तो आपको शॉर्ट के हिसाब से थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, तो यहाँ आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको पैन जूम दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और इक्वल पे क्लिक करके आपको थोड़ा सा वीडियो को इस तरह से जूम करना है दोनों साइड से, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में और नीचे में थोड़ा सा जगह दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे आपको टाइटल देना है या फिर आपको क्रेडिट देने के लिए टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। अब आपको बैक करना है और सबसे पहले आपको उस जगह को क्रेडिट देना है जहाँ से आपने वीडियो को डाउन किया हुआ है, वो जगह कौन सा है, कास्ट VS। यहाँ पे मैं जाऊँगा लेयर पे और टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट लिखने के बाद में बाय लिख दूंगा, ठीक है। तो क्रेडिट बाय और यहाँ पे आपको जो लेना है स्टाइल ये दो बिंदु लेना है और इसके बाद ये वाला सिंबल लेना है। इसके बाद में आपको उस तरह का नाम लिखना होगा जहाँ से आपने वीडियो को डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ लिख दूंगा कास्ट, ठीक है, कास्ट VS।
VS, इसको ओके करना है और यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट पे जाऊंगा और बोल्ड वाला फॉन्ट लूंगा जिससे कि देखने में सुंदर दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे। अब यहाँ आपका टेक्स्ट आ चुका है, भला कर सकते हैं, बीच में कर दीजिए, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ से इसका जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे येलो, ठीक है। येलो करने के बाद में आप इसको छोड़ दीजिए और आप छोटा कर लीजिए इस तरफ से। और इसका जो लेंथ है, जो टेक्स्ट है, उसको भी वीडियो का साइज में ऐसे कर देना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको आपको ट्रिम लाइन करके हटा देना है। और इतना आप करने के बाद स्टार्टिंग में आ जाइए और सिंपल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर तीन बिंदु पर क्लिक करके आपको इसका डुप्लीकेट बनाना है और उसको ऊपर की तरफ कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना है। जैसे कि आप मान लीजिए दिखा रहे हैं वीडियो में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या फिर आप दिखा रहे हैं इंडिया वर्सेस चाइना, तो आपको उसी हिसाब से ऊपर में जो जगह बना हुआ है वहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर एडिट में रहिएगा और यहाँ पर इसको मिटा दीजिए, जो लिखा हुआ पहले उसको मिटा दीजिए और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। इतना लिखने के बाद में आपको ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद ओके कर दीजिए और आप चाहे इसका कलर को चेंज करके कोई और कलर रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे व्हाइट कर दिया हूँ। इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ। और इतना करने के बाद आपका टेम्पलेट बन गया है। अब आप हर बार क्या करना, वीडियो को चेंज करना और आपको टाइटल चेंज करना है, ठीक है। और आपका जो क्रेडिट है वो आपको चेंज करना पड़ेगा जहाँ से आप वीडियो को लोगे। अब आपका आधा काम हो गया है। अब दूसरा काम ये है कि आपका जो वीडियो है उसको आपको सेलेक्ट करना है और इसका जो भी पहले से साउंड होगा, जो भी साउंड होगा उसको आपको बंद कर देना है, म्यूट कर देना है। वीडियो को सेलेक्ट कीजिए और मिक्सर पे जाना है और यहाँ पे म्यूट कर दीजिए या फिर साउंड को सिंपल जीरो कर दीजिए। अब वीडियो का साउंड हट चुका है, आपको अब अपना वॉइस ओवर देना होगा वीडियो के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको वीडियो में क्या बोलना है। वॉइस ओवर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको रिकॉर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना होगा। एक बार ओके करने के बाद यहाँ पे आप स्टार्ट कर दीजिए और इसके बाद आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, जिसमें आपको एक बार करके एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सिंपल सा बस ये एक एग्जाम्पल है, आप इससे अच्छा भी कर सकते हैं। यहाँ में आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है और आपको बोलना है। दोस्तों आज मैं आपको इंडिया के और पाकिस्तान के बसेस और ट्रेन का पावर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर रोड में बड़ा सा गड्ढा है और यहाँ पे बस और ट्रेन गिरने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ बस का और एक कार का पावर। यहाँ पे दो बस है और वो बना हुआ है इंडियन कार से और वो बस को खींच कर गड्ढे में गिराने वाला है यहाँ पे इंडिया का। देखता हूँ सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं। बिल्कुल हाँ, सक्सेस मिल गया है। यहाँ पे दोनों बस जो है वो रोड के गड्ढे में गिर चुके हैं और यहाँ पे हमारा इंडिया जो है वो वॉन करता है, मतलब जीत जाता है। दोस्तों आपको भी इसी तरह से वॉइस ओवर करना है और आपको अच्छे से वीडियो के हिसाब से ही वॉइस ओवर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अगर वीडियो को आपको प्ले कर देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, देखा आपने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे वॉइस ओवर हो चुका है। और आपको लगे कि आपका जो वॉइस है उसका वॉल्यूम कम है, तो आप वॉल्यूम को बढ़ाने के सिंपल सा ऑडियो में सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आपको मिक्सर पे जाना है और इसका वॉल्यूम को 200% कर दीजिएगा, जिससे कि आपका वॉल्यूम है वो हाई हो जाए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, विराइट फ्री वाला। और कॉपीराइट फ्री वाला म्यूजिक आपको कहाँ से मिलेगा, इसमें मैंने वीडियो बना दिया, वहाँ ऊपर आई बटन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको फ्री वाला, मतलब कि कॉपीराइट फ्री वाला दोस्तों काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे वीडियो रेडी हो चुका है और आपका 10 से 15 मिनट के अंदर में आपका एडिटिंग काम खत्म हो जाएगा। आपको बस एडिटिंग ही करना है इस कंटेंट में, आपको अपना फेस दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका 10 से 15 मिनट के अंदर में कंटेंट रेडी हो जाएगा और कंटेंट रेडी होने के बाद में आपको सिंपल से इसको एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए आपको एरो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और अच्छी क्वालिटी में आपको सेव करने के बाद सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा
आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा और इस कंटेंट को आपको यूट्यूब पर अपलोड करना है और आप तेजी से ग्रो भी करोगे इस तरह कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड करके, क्योंकि इस तरह कंटेंट यूट्यूब पर काफी देखा जाता है, बार बार लोग रिपीट कर करके इस तरह कंटेंट को देखते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा कुछ सीखने के लिए मिला है, अगर कॉन्टेंट आइडिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले हमारे वीडियोस को आप वॉच कर सके। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।